हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की ज्ञानशाला में। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ दूसरों के दुख से तुरंत दुखी हो जाते थे। एक बार वे उद्यान में टहल रहे थे कि एक हंस घायल होकर उनके पास आ गिरा। उन्होंने उसके शरीर से बाण निकाला और घाव पर मरहम लगाया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त हंस को ढूंढता हुआ वहां पे आया और बोला, इस हंस को बाण से मैंने गिराया है, इसलिए यह मेरा है। परंतु सिद्धार्थ ने कहा, इसके प्राण मैंने बचाए हैं, इसलिए यह मेरा है। कुछ दिन बाद जब हंस का घाव भर गया तो सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। पिता ने उनके मनोरंजन के लिए सभी प्रकार के साधन जुटा रखे थे, परंतु सिद्धार्थ सदा जीवन उसके दुखों और उनसे छूटने के उपायों के बारे में सोचा करते थे। एक बार वे नगर में घूमने के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में एक बूढ़े को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था। फिर उन्हें एक शव मिला। लोग उसे अर्थी पर बांधकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। वे सोचने लगे, एक दिन सभी की यही दशा होने वाली है। सिद्धार्थ अब गहरे सोच में रहने लगे। राजा ने उनकी यह अवस्था देखी तो उनका विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का मन संसार में नहीं लगता था। एक दिन वे रात को पत्नी, पुत्र, राज्य, वैभव सभी कुछ छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तप किया पर उन्हें शांति नहीं मिली। एक बार वे गया के समीप पीपली वन में एक पीपल के नीचे ध्यानमग्न थे। तभी सहसा उन्हें बोध यानी ज्ञान हुआ और उनका हृदय शांति और आनंद से भर गया। अपने इसी बोध के कारण वे बुद्ध कहलाए। अब वे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। उनके उपदेश का सार था, भोगों में लिप्त रहना और शरीर को सुखाना दोनों गलत है। संयम से रहना ही उत्तम मार्ग है। हिंसा, द्वेष, छल आदि छोड़कर शुभ कर्म करने चाहिए। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। हजारों व्यक्ति उनके शिष्य हो गए। शुद्धोधन के बुलावे पर बुद्ध कपिलवस्तु भी पधारे। वे अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए महल में गए। सभी संबंधी उनसे मिले पर यशोधरा नहीं आई। तब वे स्वयं उनसे मिलने गए। उसने भिक्षा में अपना पुत्र राहुल ही उन्हें दे दिया। बुद्ध जीवन भर अहिंसा, प्रेम और सदाचरण का उपदेश देते रहे। 84 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। आज बौद्ध धर्म संसार के सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चाइनीज, तिब्बत, जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई के अनेक देशों में बौद्ध धर्म का अनुयायी फैले हुए हैं। तो ये थी बच्चों आज की ज्ञानशाला। इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज की बातों से जुड़े रहें स्वदेश वाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।